नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। चीन से फंडिंग के आरोपों से घिरी न्यूज क्लिक वेबसाइट के कई ठिकानों पर मंगलवार सुबह से ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल छापे मार रही है। स्पेशल सेल न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस्थ के साथ ही वेबसाइट से जुड़े तमाम पत्रकारों के घरों को भी खंगाल रही है। आतंकी संबंधों की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने पत्रकार उर्मिलेश, अभिसार शर्मा और ओनिंदोय चक्रवर्ती को लोधी रोड थाने भी वो अपने साथ लेकर गई। इस मामले में पुलिस यूएपीए और आईपीसी की धारा 153 ए और 120 बी के तहत कार्रवाई कर रही है। ऐसे में यूएपीए को लेकर भी लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं और इस पर लोग सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की बातें लिख रहे हैं कि आखिर ये कानून होता क्या है जिसके तहत न्यूज क्लिक के खिलाफ इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ये कानून असल में ऐसा है कि इसका नाम सुनते ही कई अपराधियों का तो गला सूखने लगता है। तो क्या है ये यूएपीए का इतना सख्त कानून, यही आपको बताएंगे इस वीडियो में। यूएपीए मतलब के अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ लगाया जाने वाला ये एक काफी खतरनाक कानून माना जाता है। इसमें बहुत कड़ी सजाओं का प्रावधान होता है और इसका दायरा इतना व्यापक होता है कि न केवल अपराधी बल्कि वैचारिक विरोध और आंदोलन या दंगा भड़काने की स्थिति में भी ये एक्ट लगाया जा सकता है। दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में भी पुलिस ने यूएपीए एक्ट लगाया था और इसी एक्ट के तहत जेएनयू के छात्र रह चुके उमर खालिद को भी गिरफ्तार किया गया था। इस कानून का मुख्य काम आतंकी गतिविधियों को रोकना होता है। इस कानून के तहत पुलिस ऐसे आतंकियों, अपराधियों या अन्य लोगों को चिन्हित करती है जो देश विरोधी या आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं। इसके लिए लोगों को तैयार करते हैं या फिर ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। इस मामले में NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसको काफ़ी शक्तियाँ हासिल होती हैं। यहाँ तक कि NIA के जो महानिदेशक होते हैं वो अगर चाहें तो किसी मामले की जांच के दौरान वो संबंधित शख्स की संपत्ति की कुर्की या फिर जब्ती भी करवा सकते हैं। यूएपीए कानून 1967 में लाया गया था। इसे संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत दी गई बुनियादी आज़ादी पर तर्कसंगत सीमाएं लगाने के लिए लाया गया था। बीते कुछ सालों में आतंकी गतिविधियों से संबंधी पोटा और टाडा जैसे जो कानून थे वो खत्म कर दिए गए, लेकिन यूएपीए कानून आज भी मौजूद है और पहले से भी ज़्यादा मजबूत है। अगस्त 2019 में ही इसमें संशोधन किया गया था जिसके बाद इस कानून को और ज़्यादा ताकत मिल गई। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति पर अगर केवल शक ही है तो शक के आधार पर ही उसे आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। यूएपीए में धारा 18, 19, 20, 38 और 39 के तहत केस दर्ज होता है। धारा 38 तब लगती है जब आरोपी के आतंकी संगठन से जुड़े होने की बात पता चलती है। धारा 39 आतंकी संगठनों को मदद पहुँचाने पर लगाई जाती है। इस एक्ट के सेक्शन 43(d) के क्लॉज 2 में किसी शख्स की पुलिस कस्टडी की जो अवधि होती है उसे दुगना करने का भी प्रावधान है। इस कानून के तहत पुलिस को 30 दिन की कस्टडी मिल सकती है। वहीं न्यायिक हिरासत जो होती है वो भी 90 दिन की हो सकती है, जबकि जो दूसरे आईपीसी के सामान्य कानून है उसमें अधिकतम अवधि 60 दिन की ही होती है। जानकार बताते हैं कि अगर किसी शख्स पर यूएपीए के तहत केस दर्ज हो जाए तो फिर उसे अग्रिम जमानत भी नहीं मिल सकती। यहाँ तक कि अगर पुलिस ने उसे छोड़ भी दिया हो तब भी उसे जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है। कानून के सेक्शन 43(d) के क्लॉज 5 के मुताबिक कोर्ट शख्स को जमानत नहीं दे सकता अगर उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई केस बनता हो। गैर कानूनी संगठनों, आतंकवादी गैंग और संगठनों की सदस्यता को लेकर भी इस कानून में कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। तो ये थी उस यूएपीए एक्ट से जुड़ी पूरी जानकारी जिसके तहत न्यूज क्लिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।